जो भीड़ नजर आ रही है ये साफ संदेश दे रही है कि इस देश में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है, एक बहुजनवाद और एक मनुवाद की लड़ाई है। एक बाबा साहब का संविधान है और एक मनुस्मृति का संविधान है, उसकी बीच ये लड़ाई है। साथियों, ये बार बार आरक्षण पर हमला करे जा रहे हैं, ये फिर से वही मनुस्मृति मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर मनुवादी सिस्टम इम्प्लीमेंट हो। कभी सीट कट के नाम पर, कभी 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर, कभी रिजर्वेशन पॉलिसी पे खत्म करने के नाम पर ये यूनिवर्सिटी को गुरुकुल बनाना चाहते हैं साथियों। लेकिन ये भीड़ ही गुरुकुल को नहीं बनने देगी साथियों। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे 10% रिजर्वेशन से, लेकिन जो 85% का सवाल है वो 85% के सवाल का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा साथियों। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, अब साथियों लड़ाई सोशल जस्टिस तक सीमित नहीं रहेगी, अब लड़ाई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की होगी साथियों, मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मनोहर काशी।